कल सब टीचर्स लोग ने मंगवाया, लेकिन ऐसे इनका मम्मी का बर्थडे का, इसका इनका बर्थडे इसलिए यस हेलो 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 ऋषिकेश, शार्दुल, करण, सुमित, मिस्टर एनोनिमस, राजवर्धन, कुश प्रसाद, एबीसीडी मैम, थोड़ा और लेट देते तो बहुत टाइम है क्या? ये क्या टॉन्ट मार रहे क्या? और अक्षय, गुलाब, राजवर्धन, स्वरा, पीयूष आर्ट्स, कृष्णा पाल, हेलो हेलो हेलो, चलिए फटाफट से आपके क्वेश्चंस पूछिए। यस नवजोत, आई एम फाइन, आप बताओ। हाँ पीयूष आर्ट्स ने पूछा है, मैम चैप्टर वन किया है तो कितना स्कोर कर सकता हूँ मैं? क्या पता चैप्टर वन से क्या आता है, उस पर डिपेंड करता है। गरिमा बहुत लेट हो गया, एक्चुअली मैंने कल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए थे, ये तो एक लास्ट क्वेश्चन आंसर राउंड है। जितने भी लोग CS2 के लिए अभी यहाँ पर आए, मैं उनको बता दूं कि कल ही मैंने सेशन फुल फ्लेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ले चुकी हूँ, बस आप लोग के लास्ट कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर करने के लिए आए। 3rd, 4th, 5th चैप्टर भी चैनल पर है, जाके देखिए। इंस्ट्रक्शंस भी बहुत अच्छे से एक बार कराए हुए, एक बार जाके वन शॉट ही है सारे लेक्चर्स हमारे, एक बार आप लोग प्लीज जाके देख लीजिए। ज्यादा लंबा टाइम नहीं होगा, आपको जो भी डाउट्स है 10-15 मिनट्स में जो भी डाउट्स है वो पूछिए। कल ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हमने कवर किया हुआ था, आज आप पूछो, समर्थ पूछिए। टेलीग्राम पर इम्पोर्टेंट डाला है ना, भेजा है ना सर को, भेजा है सर ने, फर्स्ट और फिफ्थ करके गए तो थोड़ा सा और कर लो, एक दो और। एमएसटी सीटी के लेक्चर्स जो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ डाउट फटाफट से, आप लोग के पास 10-15 मिनट है, जो भी डाउट है वो पूछो। तीन चैप्टर किए तो कितने मार्क्स मिले? बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। पासिंग कितने मार्क्स से? पासिंग तो 35 मार्क्स से होता है ना। हाँ आदित्य, पढ़ लिया आपका मैसेज। ALP बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, लेक्चर्स में जाके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। हाँ, अभी चालू किया तो हो जाएगा, मेरे सारे लेक्चर्स लेके बैठो और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरा अच्छे से कल किया था, अपने डिस्कस भी किया था, MCQs भी सारे सॉल्व किए हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करो, बस हो जाएगा।
आप लोग को क्या क्या डाउट्स है, लास्ट क्वेश्चन आंसर राउंड है ऑलरेडी हम लोग ने कंडक्ट कर चुके लेक्चर्स आपके आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और डाउट्स के सब कवर कर चुके हैं। आज आपको लास्ट सिर्फ समझो बेस्ट ऑफ लक विश करने आई हूँ मैं। के लिए आपकी इम्पोर्टेंट करके बिल्कुल SHTech सेकंड चैप्टर के लिए नहीं सबके लिए आप मेरे इम्पोर्टेंट दिए हुए क्वेश्चंस कर सकते हो, आते हैं एग्जाम्स में। CS1 में जिन्होंने भी देखा है वो ऑब्जर्व किए रहेंगे कि जो हमने बताया था 90% उसी में से आया था। फिफ्थ चैप्टर नेटवर्किंग रीड करके जाओ बस। थैंक यू समर्थ। सार्थक कल से बस IT स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस मिस हो जाते तो मिक्स इंस्ट्रक्शंस लिख के आ जाओ चलेगा, पर लिखो। श्रावणी डिजाइन एस्पिरेंट मींस स्पेशली क्या करना चाहिए आपको आगे, उसके लिए तो एक अलग से सेशन हम लेके ही आएंगे काउंसलिंग का, उसके लिए टेंशन नहीं लो। हाँ रौनिक हो जाएगा, एक बार लेक्चर स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, हो जाएगा। हाँ स्नेहल बस लास्ट आज, इसके बाद वही चालू करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैम प्रोग्राम के लिए कुछ टिप्स दो ना, प्रोग्राम्स के लिए कौन से प्रोग्राम्स के लिए टिप्स दो? थैंक यू सो मच श्रावणी फॉर ऑल योर एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम्स के लिए अगर मैं टिप्स देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगी कि बेसिक शॉर्ट प्रिपेयर करके जाओ, आप ट्राई करो कि उसको आप हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाओ। अभी क्योंकि पेपर कल ही है तो आप सब तो नहीं कर पाएंगे, जितना आपसे होता है आप उतना करिए। इज BBA वर्थ अकॉर्डिंग टू यू? नॉट दैट मच, नॉट दैट मच। BSc IT और BSc CS दो ऑप्शन है, BSc IT या BSc CS। यस यू कैन सी द PYQ, आप लोग को एक आइडिया मिल ही जाता है, बट उससे भी पहले मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल फिफ्थ चैप्टर के लिए नहीं सारे चैप्टर के लिए सिर्फ मेरा इंपॉर्टेंस किया तो चलेगा। हाँ हाँ आ सकते आ सकते। IIT बॉम्बे जो आयुष यादव, मैं बोल रही हूँ ना BSc IT या BSc CS। ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा देख के जाइए, प्रैक्टिस हो जाती है, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग करे या क्या करे या कुछ भी नहीं मिल रहा है या बहुत ज्यादा फीस है, तो जेन्युइनली बता रही हूँ BSc IT या BSc CS में ना इमेंस करियर है, इमेंस इमेंस है। हाँ केशव चलेगा, बहुत चलेगा, अच्छे से चलेगा। पासिंग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रोग्राम्स भी मैंने आप लोग को बताए हुए हैं,
लेक्चर्स में भी बताए हैं और कल भी मैंने बताया, एक बार आप जाके देखिए, आप लोग को आपको मिल जाएंगे, और जितना जरूरी उतना बताए हैं आपके पेपर के लिए। कितना पैकेज, अरे पूछने बोलने जैसा नहीं है, मुंह से बताने जैसा नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कितना भी मिथ है कि सिर्फ एक ही कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट कोर्स है आज BSCIT और BSCCS। थैंक यू सो मच रजत। CS2 के लिए मेरा अभी भी मैं बता रही हूँ, आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दिए गए, प्लीज प्लीज रेफर करो, प्लीज। कल का पेपर के लिए डरने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हाँ कृपा, मैंने बस थियरी बताई, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि 50% 50-50 क्वेश्चन आते हैं, प्रोग्रामिंग आप लोग को हार्डली लास्ट केस में पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरा पेपर का क्यों रिस्क ले। अभी भी पढ़ सकते हो आप नमस्ते भारत। थैंक यू सो मच, और मैं अभी भी कहूंगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, आप लोग का कल ही पेपर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आप लोग जाके अच्छे तरीके से पढ़िए, सब कुछ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाता है, हम लोग ने जितना हो सकता था, अभी भी आप लोग के पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं, टाइम है, लेक्चर्स पड़े हैं, चैनल पर जाके अब चेक करो, जो भी डाउट है एक एक सर्च करके देखो, सब कुछ है वहां पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में है, जिन्होंने भी मेरे CS1 के अटेंड किए उनको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आया था। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, प्लीज अच्छे से करो, और जितना कम टाइम में जितना भी मैं आप लोग के लिए कर सकती थी मैंने ट्राई किया है, अपने मन से लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो इंस्ट्रक्शंस का तो, ठीक है। कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है तनिष्क? इम्पोर्टेंट तो सारे चैप्टर्स है वैसे, लेकिन उसमें से भी कौन सा करना है थोड़ा देख के रखो, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे फोर्थ हुआ, फिफ्थ चैप्टर हुआ, थर्ड चैप्टर हुआ, सो उतना मत छोड़ो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, मैंने डिस्कस किया है सब कुछ, इसलिए मैं आज ज्यादा डिस्कस नहीं करूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मेन आपको फॉलो कल का ही लेक्चर करना है। हाँ कवर हो जाएगा, नमस्ते भारत कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और आज मिलते हैं फिर, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या ला सकती हूँ मैं आप लोग के लिए। सो यस, कहाँ पे मिलेगा इम्पोर्टेंट? हर्षल टेलीग्राम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेज दिए गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू, और आगे भी मिलते रहेंगे आप, और मैं आप लोग के लिए स्पेशल कुछ सेशन लेके आऊंगी CS इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, कि आगे आप क्या कर रहे हैं, अभी इस एग्जाम के बाद आप क्या करने का है, मैं लेके आऊंगी सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।